बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो बच्चों के लिए लर्निंग एक फ़न होनी चाहिए, और टीचर की हैसियत से और इसके साथ साथ पेरेंट्स की हैसियत से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं वो लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें, और जो भी वो लर्निंग को हासिल करें वो पायदार हो। तो आप कोशिश करें कि आप बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं वो बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिका हो, और जो बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से पहले नॉलेज रखते हैं उसी नॉलेज के ऊपर जो नया कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप किया जाए। तो जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग भी बच्चों के लिए एक फ़न होनी चाहिए, और आपको मुख्तलिफ़ लाइन्स का और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो ड्रॉ हम करते हैं उनके हवाले से बच्चों को राइटिंग सीखने के लिए रेडी करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ जो कलर्स की पेंसिल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, मुख्तलिफ़ क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे जो हैं वो राइटिंग को ज़्यादा बेहतर और अच्छे अंदाज में सीख सकें। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके हवाले से वीडियो बनाई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक पेरेंट की हैसियत से और इसके साथ साथ टीचर की हैसियत से ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। और अगर आप मज़ीद किसी भी टॉपिक के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने स्मॉल लेटर ए को कैसे लिखना है। आपने मिडल से स्टार्ट करना है और एक कर्व बनाना है जो कि हमारा डाउनवर्ड जाएगा। इसके बाद आपने फिर मिडल पर वापस चले जाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी डाउनवर्ड होगी, और ये स्ट्रेट लाइन एक कर्ल के साथ ख़त्म होगी जो कि राइट साइड पे हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने स्मॉल लेटर ए को इस तरह लिखना है। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर बी को कैसे लिखना है। उसके लिखने का तरीका ये है, आपने टॉप से स्टार्ट करना है और एक स्टैंडिंग लाइन जो है डाउनवर्ड ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपने मिडल पर वापस चले जाना है और एक कर्व बनाना है जो कि हमारा डाउनवर्ड होगा। इस तरह से हमने स्मॉल लेटर बी को लिखना है। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर सी को कैसे लिखना है। आपने मिडल से स्टार्ट करना है और एक कर्व बनाना है जो कि हमारा डाउनवर्ड जाएगा। ये हमारा स्मॉल लेटर सी को लिखने का तरीका है। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर डी को कैसे लिखना है। आपने फिर मिडल से ही स्टार्ट करना है और आपने स्मॉल सी लिखना है जो कि डाउनवर्ड एक कर्व की सूरत में होगा। इसके बाद फिर आपने टॉप पर वापस चले जाना है और आपने एक स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करनी है जो कि एक कर्ल जो कि हमारा राइट साइड पे होगा उस पर ख़त्म होगा। इस तरह हमने स्मॉल लेटर डी को लिखना है। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर ई को कैसे ड्रॉ करना है। आपने ये जो हमारा मिडल है इसे थोड़ा सा नीचे स्टार्ट करना है और एक लूप की सूरत में ड्रॉ करनी है लाइन जो कि कंटिन्यू करेगी एक कर्व की सूरत में, और ये कर्व हमारा डाउनवर्ड जाएगा। इस तरह हमने स्मॉल लेटर ई को लिखना है। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर एफ को कैसे लिखना है। हमने टॉप से स्टार्ट करना है और एक कर्ल बनाना है जो कि कंटिन्यू इस तरह करेगा कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसके बाद जब ये स्ट्रेट लाइन हमारी बॉटम पर पहुँचेगी तो हमने लेफ़्ट साइड पर एक स्मॉल कर्ल बनाना है। इसके बाद हमने मिडल पर वापस चले जाना है और एक स्लिपिंग लाइन जो है उसको ड्रॉ करना है। इस तरह हमने स्मॉल लेटर एफ को लिखना है। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर जी को कैसे लिखना है। आपने मिडल से स्टार्ट करना है और स्मॉल लेटर सी लिखना है। इसके बाद फिर आपने मिडल पर वापस चले जाना है और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी डाउनवर्ड होगी, और ये स्टैंडिंग लाइन जो है वो एक स्मॉल कर्ल की साथ
जो कि लेफ़्ट साइड पर होगा ख़त्म होगी। इस तरह से ये हमने स्मॉल लेटर जी को लिखा। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर एच को कैसे लिखना है। आपने टॉप से स्टार्ट करना है और एक स्टैंडिंग लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपने मिडल पर वापस चले जाना है और एक स्मॉल कर्व जो कि हमारा डाउनवर्ड आएगा उसको ड्रॉ करना है, जो कि राइट साइड पर एक कर्ल के साथ ख़त्म होगा। इस तरह से हमने स्मॉल लेटर एच को लिखना है। अब हम ये देखते हैं कि हमने स्मॉल लेटर आई को कैसे लिखना है। आपने मिडल से स्टार्ट किया और एक स्टैंडिंग लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, जो कि राइट साइड पर एक कर्ल के साथ ख़त्म होगी। इसके बाद आपने इसी लाइन के ऊपर एक डॉट लगाना है। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर जे को कैसे लिखना है। हमने मिडल से स्टार्ट किया और एक स्टैंडिंग लाइन जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉ की, और ये स्टैंडिंग लाइन जो है ये लेफ़्ट साइड पर एक कर्ल के साथ ख़त्म होगी। फिर हमने मिडल से जहाँ से स्टार्ट किया था लिखना उसी लाइन के ऊपर एक डॉट लगा देना है। तो ये हमारा स्मॉल लेटर जे को लिखने का तरीका है। अब हम देखते हैं हमने स्मॉल लेटर के को कैसे लिखना है। आपने टॉप से स्टार्ट किया और एक स्टैंडिंग लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ की। इसके बाद फिर आप मिडल पर वापस चले गए और एक स्लांटिंग लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ की। इसके बाद फिर आपने एक स्लांटिंग लाइन डाउनवर्ड जो कि राइट साइड पे होगी उसको ड्रॉ करना है, और ये स्लांटिंग लाइन राइट साइड पर एक कर्ल के साथ ख़त्म होगी। तो ये हमारा स्मॉल लेटर के है। अब हम देखते हैं स्मॉल लेटर एल को हमने कैसे लिखना है। आपने टॉप से स्टार्ट करना है और एक डाउनवर्ड स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और ये स्टैंडिंग लाइन राइट साइड पर एक कर्ल के साथ ख़त्म होगी। तो ये हमारा स्मॉल लेटर एल को लिखने का तरीका है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको स्मॉल लेटर ए से लेकर स्मॉल लेटर एल तक लिखने का तरीका बताया है। आप कोशिश करें कि आप बच्चों को जो मैंने कर्व्स, कर्ल, स्लांटिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट दिया है, आप कोशिश करें कि आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दे सकें, ताकि बच्चे प्रॉपरली राइटिंग को सीख सकें। तो व्यूअर्स, आने वाली वीडियो में मैं आपको जो हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स रह चुके हैं उनके हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।